11 बज चुके हैं सुबह के, मम्मी अंदर खाना बना रही है और मैं नहा धो के रेडी हूँ बिल्कुल। तो अभी खाना खाएंगे, पहले तो खाने में वैसे तो पनीर के परौंठे बन रहे हैं, पनीर के परौंठे खा के उसके बाद जाना है खेतों में, खेतों में जाने के बाद अभी मांजा लेना है, बाकी का शेड्यूल देखते हैं क्या करते हैं। बाकी प्रीत भाई मिलेंगे आज, प्रीत भाई से मिलवाएंगे आप सबको। ठंड बहुत है यार भाई, मतलब पूछो मत, बहुत ठंड है, 4 दिन हो गए धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी। सूरज दादा का तो मुंह भी नहीं देखा, सूरज कैसा होता है, 4 दिन हो गए हैं। बाकी देखते रहिए व्लॉग, मिलते हैं। आ गया अपना, ये रहा अपने पनीर के परौंठे और ये रही अपनी चाय, और इसी के साथ पहले खाना खाएंगे और फिर मस्त घूमने जाएंगे। मैंने रोहित भाई को अभी फ़ोन किया, रोहित भाई भी आने लग रहे हैं, बस हम यहाँ से बाइक लेके निकलेंगे। रोहित भाई को आने दे रहा है, बस उनका वेट कर रहा हूँ, आने वाला है वो, 5 मिनट में आने वाला है बस, फिर हम यहाँ से। भाई रोहित भी आ चुका है, हम निकलने लग रहे हैं बस 2 मिनट में, अभी बाइक स्टार्ट करके निकलेंगे, अब सीधा खेतों में पहुँचेंगे। वहाँ पर प्रीत भाई वेट कर रहे हैं हमारे, उनको फ़ोन कर दिया कि हम आने लग रहे हैं बस 5 मिनट में, वहाँ पर पहुँचेंगे। ओके मिलते हैं। क्या हाल है? बढ़िया चाचू, ठीक है। चला फिर खेत, चला फिर भाई, चलो रोहित, चलो फिर। यार सामने तो बहुत बुरा हाल हो रहा है खेतों का, गारा ही गारा, किचड़ी किचड़, बारिश हो गई हड्डिया, बहुत मड़ा हाल है। तो भाई ये हाल है अभी तो फिलहाल हमारे खेतों का, रास्ता बहुत खराब है, प्रीत भाई निकाल रहे हैं बाइक। फाइनली भाई पहुंच गए हम अपने खेतों में, ये रहे खेत हमारे। वाले खेतों में भाई गेहूं लग रखी है इधर, ये ऐसे ही छोड़ रखा है बाकी खेत, ये गेहूं लग रखी है, उधर भी गेहूं है, दिखा देता हूं आपको। पास सरसों देख लो, ये सरसों लगी हुई है। प्रीत भाई ये क्या लगी हुई है? सरसों। किसने लाई? क्या हो गया? ये अपनी ट्यूबवेल अभी तो बंद है, सर्दी का महीना, गेहूं लगी हुई है, सरसों लगी हुई है, गेहूं कटेगी अब अप्रैल के महीने में बैसाखी के दिन, और सरसों अपनी कटने वाली है थोड़े दिनों में। और पीछे ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये अपने कमरे वगैरह बना रखे हैं, मकान टाइप ही कर, जैसे एमरजेंसी है। लेबर टाइम हो गया 2 और निकलने लगे यहाँ से खेतों में से, अभी जा रहे हैं मांजा लेने दुकान पे, मांजा निकाल के रखा है बंदे ने, बस मांजा लेके फिर जाएंगे घर पे, फिर जाके घर पे उड़ाएंगे पतंग। कल का रिवेंज लेना भी, रिवेंज बाकी है कल का, कल जो हमारी पतंग कटी है, 5 पतंगे कटी हैं भाई कल हमारी, 5 गिन के, आज उसका लेना है रिवेंज। आज बस मांजा लेके, अच्छी वाली लेके डोर, आज लेंगे रिवेंज सबसे। इसी के साथ घर पे पहुंच गए हैं, मांजा ले लिया हमने और अब जा रहे हैं ऊपर पतंग उड़ाने, खाना भी खा लिया है, अब ऊपर मिलता है छत पे, रिवेंज लेना है कल का, रिवेंज लेके करते हैं बात फिर। ऊपर आ गया भाई छत पे और रोहित कन्ने डाल रहा है, बस उड़ाने की तैयारी। तो भाई इसी के साथ एक तो काट दी आज की, पहली पतंग का कर दिया है, और दूसरी देखते हैं अब कोई उड़ाएगा तो उसकी भी काट देंगे, आज पूरा खून सवार है, काट देनी है सबकी। ए अभी तो एक कट, डोर खुद भी हैवी है भाई आज, हमारी पतंग वाली रिपोर्टर का फेर है, मतलब उधर देखा देखा ये तो देख रहा है भाई। आज कुछ सीन ऐसा हुआ, 2 पतंगे हमने काटी, तीसरी हमारी कट गई,
और इसी के साथ भाई व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सबको अच्छा लगा होगा व्लॉग, मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा सही लगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अच्छे अच्छे व्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।